हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है शनिवार और आज आपके साथ मैं अपना ब्लॉग शेयर करूंगी। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी मैंने रख दिया है, खिचड़ी हो भी गया है। तो अभी भाजी पत्ते गोभी की बनाऊंगी और सिंपल सी भाजी बनाऊंगी। तो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं। और मुझे आपके साथ शेयर करना था मेरे फ्रेंड जिया का, उसका आप जानते रहोगे, मैंने उसके साथ वीडियो भी बनाया था। तो उसका चैनल था जिया व्लॉगू, लेकिन उसका चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत अच्छे से चला। लेकिन फिर बीच में जब मोनेटाइजेशन के समय कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तो वो चैनल अभी तक है और अभी तक उस पर व्यूज़ आते, अच्छे खासे व्यूज़ आते, बहुत अच्छे से उसका वो चैनल ग्रो हुआ था। लेकिन मोनेटाइजेशन की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तो उसके वजह से उसने उसे कंटिन्यू नहीं किया। तो उसने अपना दूसरा नया चैनल ओपन किया है, जियाज ऑल इन वन चैनल। तो मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगी और आप सब जानते रहोगे। मतलब मैंने उसके साथ वीडियो भी बनाया था, एक वीडियो बनाया था अपने बर्थडे का। उस चैनल में वो अपने सब ड्रेसेस के रिव्यू शेयर करती है, जहाँ से भी वो परचेस करती है ड्रेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेबोंग से उसमें रिव्यू करती है। और भी उसमें अभी और भी ऐड, मतलब और भी बहुत सारे उसमें करेगी। तो आप उसका चैनल जरूर चेकआउट कीजिए। और बहुत सारे लोग उनके जो सब्सक्राइबर रहेंगे जानना चाहते रहेंगे कि जिया कहाँ पे है। तो वही जिया का उस चैनल का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उसने नया चैनल ओपन किया है, जियाज ऑल इन वन चैनल। तो फिर आप ज़रूर उसका चैनल चेक कीजिए। और वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और हमारी रोज़ बातें भी होती है, तो मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। तो और उनके जो कंटेंट रहते बहुत ही अच्छे रहते। आप दे जो उनका पहले चैनल का नाम था जिया व्लॉग यू, तो उस पर आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा उनका चैनल ग्रो किया है और बहुत ही अच्छे चैनल उनका चल भी रहा है। सो कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से, फिर अभी उनका आप नया चैनल देखिए। और बहुत सारे लोग उनके जो व्यूवर हैं वो जानना चाहते रहेंगे कि जिया कहाँ गई, तो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ आप उनका चैनल चेक कीजिए। सो अभी मेरे हस्बैंड आज हार्डे था, उनका तो आ गए, तो इमली लेकर आया है और वहाँ पर टोमेटो। तो इमली हम लोग को यूज़ होता है। और थोड़ा सा आपको म्यूज़िक आती रहेगी, रेडियो चालू है। और आज मूवी आ रही है एनीबडी कैन डांस, तो मेरी फेवरेट मूवी में से वो भी एक मूवी है जो अच्छा लगता है देखने, और बार बार देखो तो भी बोर नहीं होता। वो मुझे मूवी जो फर्स्ट है, जो एनीबडी कैन डांस फर्स्ट वाला जो है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं देख रही थी। और सर्दी हो गया मुझे, तो एक दो दिन हो गया सर्दी हो गया, तो मैंने गोली खाया था मेडिकल से लेके, तो थोड़ा सा आराम है। ठीक है फ्रेंड, मैं भी आपको पत्ते गोभी की अपनी रेसिपी दिखाती हूँ। नॉर्मल सा है, जैसा आप बनाते रहोगे वैसे ही रहेगा मेरी रेसिपी, बस मैं थोड़ा सा दिखा दूँगी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मैंने काट लिया है, तो पत्ता गोभी को मैंने लंबा लंबा काटा है क्योंकि मुझे पसंद है ऐसा लंबा लंबा काट के, जब भाजी बनता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है और लहसुन काट लिया है मैंने। तो मिर्ची अभी नहीं है, मेरे हस्बैंड लाने गए हैं। तो अभी मैं कढ़ाई में तेल गर्म कर रही हूँ और उसमें डाल रही लहसुन। जब लहसुन हो जाएगा लाल तो उसमें मैं मिक्स करूँगी प्याज। प्याज जो जब लाल हो गया था उसके बाद मैंने पत्ता गोभी मिला दिया था और मिर्ची बाद में आया, तो मैंने मिर्ची भी ऐड कर ली थी। और जब ये हल्का नरम होने लगेगा तब इसमें मैं डालूंगी टमाटर, क्योंकि इसे मैं बीच में ही टमाटर डालती हूँ, शुरू में ही डालती हूँ प्याज के साथ, क्योंकि इस तरह से डालते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा पसंद है और मेरे घर वाले को भी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर मिक्स कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाऊँगी। तो बस अब यहाँ पे मैं इसमें नमक मिला के और इसे मीडियम हीट पे ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी पकने के लिए, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहूँगी।
तो जो पत्ते गोभी की भाजी रहती है मेरी ऐसी सिंपल सी रहती है, और इसमें मैं धनिया भी मिलाऊंगी लास्ट में। बंद करने के 2 मिनट पहले मैं इसमें धनिया मिला दूंगी। और यहाँ से हम लोग ने दुकान से सांभर भी लाया था, तो आधा सांभर ख़त्म हो गया है और आधा बाकी है। जिसे पत्ता गोभी नहीं खाने वो सांभर खा लेगा। और यहाँ पे मेरी भाजी तैयार हो गई है, और मैंने कहा 2 मिनट पहले मैं इसे धनिया मिलाऊंगी, तो धनिया ला के मैं इसे मिक्स करूँगी। तो इस तरह से मैं पत्ता गोभी की भाजी बनती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और दूसरा तरीका मेरा रहता है, जो प्याज टमाटर मिर्ची और जो लहसुन रहता है उसे पीस के डायरेक्ट पत्ता गोभी में मिलाना, वो भी अच्छा लगता है मुझे। और इस तरह से जो बनाती हूँ ये भी मुझे पसंद है। तो पत्ता गोभी की भाजी मेरी तैयार है, और यहाँ पे खिचड़ी तैयार है, और खिचड़ी भी एकदम सिंपल सी है, और कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे मैं अखरोट साफ कर रही थी, तो आप देख सकते हो कि जो अखरोट का शेप रहता है अपने ब्रेन जैसा ही रहता है। तो कहा जाता है कि जो ड्राई फ्रूट का शेप जैसा रहता है अपने बॉडी के हिसाब से रहता है, यानी उस चीज़ को ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ब्रेन जैसा है, तो अखरोट हम खाएंगे तो हमारा ब्रेन शार्प होता है, और जो बादाम रहता है वो अपने आँख के शेप का रहता है, तो अपना आँख उससे ज़्यादा अच्छा रहता है बादाम खाने से। और काजू का शेप किडनी जैसा रहता है, तो किडनी को ज़्यादा फ़ायदा करता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। सो फ्रेंड, मेरा लंच तैयार है। यहाँ पे पत्ते गोभी की भाजी है, और खिचड़ी है, और सांभर तो दुकान से ही आया था, तो सिंपल सा लंच है। तो लंच तैयार हो गया। हेलो फ्रेंड, तो शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ भजिया। तो उसके लिए मैंने प्याज काट लिया है, प्याज को धो भी लिया है, उसमें हरा धनिया, बंगरेल और मिर्ची, हरी मिर्ची काट के डाल ली थी, और इसमें अभी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर मिला रही हूँ। तो इसे मैं अपने और नमक डाल दूँगी, और फिर इसे हाथ से मिला लूँगी अच्छी तरह से। मंगरेल डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आता है, आपको पता रहेगा काला कलर का मंगरेल होता है, जो तिल जैसा दिखता है। और इसमें भी मैं आलू मिला रही हूँ। और पकौड़ी में मंगरेल डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। आप इसी समय इसमें बेसन भी डाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे बेसन मिला रही हूँ। ये आप चाहिए तो आप सब चीज़ एक साथ इकट्ठा करके एक साथ मिला सकते हो। और यहाँ पे मेरा मिक्स करके मैंने रख लिया है, और मैं अब तैयारी करूँगी इसे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैं लोखंड का जो कढ़ाई रहता है वो यूज़ कर रही हूँ, तो उस तेल डाल के मैं कढ़ाई गरम कर रही हूँ। अच्छी तरह से गरम रहना चाहिए। और प्लेट में मैंने पानी ले लिया है, कि मतलब अच्छे से उसे हाथ में पानी लगा के अगर हम लोग ऐसे जो पकौड़ी उठाएंगे तो बराबर से स्लिप हो जाएगा कढ़ाई में। तो मैं एक एक करके सारे पकौड़े इसमें तल लूँगी। यहाँ पे मेरा भजिया फ्राई हो रहा है, तो एक पार्ट हो गया फ्राई होके। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया, मैंने टिश्यू पेपर लेना भूल गई, तो आप यूज़ करिए ज़रूर। यहाँ पे देखिए कितना कलर बहुत अच्छा है, गोल्डन ब्राउन। तो जब तक भजिया तल रहा था, उस मैंने क्या किया था, पहले से ही पकौड़ी ऐसे गोल गोल करके रख लिया था मैंने, कि जिससे ईजी हो जाए फटाफट डालने के लिए। तो मेरी मम्मी है, बहुत ही अच्छा भजिया बनाती है, तो उन्हीं की तरह मैं ट्राई किया था मैंने बनाना, क्योंकि उनके हाथ का मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं भजिया फ्राई करूँगी।
और फिर उसके बाद मैं चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर और शेंगदाना, मिर्ची और लहसुन की चटनी पीसूँगी। आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब मिला के, नमक मिला के मैं इसका चटनी पीसूँगी। तो चटनी पीस के तैयार है और इसे हम लोग खाएंगे पकौड़ी के साथ। तो मेरा जो आज का डिनर था यही था, रोटी और भजिया और चटनी। तो भाजी की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लोग रोटी के साथ ही खा लेंगे। और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि मुझे पकौड़ी के साथ चाय पसंद है। तो यहाँ पे मेरा डिनर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे है भजिया, चटनी और रोटी। सो फ्रेंड, मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।